Hello, good morning everybody. I am P.L. Narada, assistant professor. And today we will discuss about subject verb concord. Subject verb concord का first part हमने पढ़ लिया. आज हम उसका second part पढ़ने जा रहे हैं. कुछ rules हमने इससे पहले वाले video में देखे थे. आपको ये video समझने से पहले इसका जो पहला part है वो देखना चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और ज्यादा अच्छी बन सके. अब देखिए यहां पर रूल नंबर 7 जो है हमारा क्या कहता है. यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो और फर्स्ट वाले नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल हो, सेकंड वाले नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल न हो तो सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं. लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है, दोनों जगह आर्टिकल है, तो वहां पर आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा. जैसे यहां पे है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर. यहां पे प्रिंसिपल से पहले द और सेक्रेटरी से पहले द, तो दोनों जगह यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग व्यक्ति है. दीज आर टू पर्सन्स, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए दो व्यक्ति हो गए और जब उनको हम एंड से जोड़ेंगे तो हमें यहां पर प्लूरल नाउन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा. इसी तरह से अ पॉइंट एंड अ फिलोसोफर हैव कम. पॉइंट से पहले भी ए आर्टिकल है और फिलोसोफर से पहले भी ए आर्टिकल है, यानी यहां पे दो अलग अलग व्यक्तियों का भाव यहां पे है, इसलिए जब हम उनको एंड से जोड़ेंगे तो यहां पर प्लूरल वर्ब काम में आएगी, बहुवचन क्रिया हमें यहां पर काम में लेनी पड़ेगी. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. जैसे हमने आर्टिकल वाला रूल पढ़ा, इसी तरह से यहां पे है यदि दो नाउन है और वो एंड से जुड़ी हुई है और उनमें से फर्स्ट जो नाउन है यानी जो फर्स्ट यानी पहले वाली जो नाउन है सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है और उसके पहले इच या एवरी का प्रयोग है तो फिर हमें वहां पे सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी पड़ेगी. जैसे इच पेन एंड पेंसिल इज ब्राउन, यहां पे पेन और पेंसिल इनसे पहले इच है. पहली चीज तो ये है कि ये पेन जो है सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लूरल होगा तो इच का प्रयोग नहीं हो सकता. इच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, प्रति एक, जो एक ही नहीं है तो वहां पे इच का प्रयोग कैसे हो सकता है. तो यहां पे पेन जो है सिंगुलर होना चाहिए और पेंसिल सिंगुलर है और इनसे भले इच का प्रयोग है, भले ही ये पेन और पेंसिल दो चीजें हो गई लेकिन इनके आगे इच का प्रयोग होने से यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. और ये इज ब्राउन, इच पेन एंड इच पेंसिल इज ब्राउन. Every boy and girl is smart. यहाँ पे girl और boy दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे पहले every का प्रयोग है और every मतलब प्रत्येक, तो यहाँ पर भी हमें singular verb में काम में लेनी पड़ेगी. Every boy and every girl is smart. इस तरह से हम यहाँ पे singular verb का प्रयोग करेंगे. अब यहाँ पे एक नोट है छोटा सा कि जो ऊपर जो रूल बताया उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. देखो यहाँ पे बाद में और पहले को समझो, अगर नाउन से पहले इच है या एवरी है तो आपको सिंगुलर वर्ब काम में लेनी पड़ेगी, लेकिन नाउन के बाद में अगर इच है तो वहां पे अगर प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल ही वर्ब काम में लेनी पड़ेगी. वी इच
आर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे वी और उसके बाद में इच है। वी बहुवचन में होता है, प्लूरल होता है, और इच, वी इच यानी हम प्रत्येक, हम पहले जो है, हम पहले आ गया, तो हम पहले आने से, वी पहले आने से हमें यहाँ पे इच के साथ भी प्लूरल फॉर्म हमें लेनी पड़ेगी। आर बेस्ट फ्रेंड, फिर यहाँ पे हमें आर लिखना पड़ेगा, वी इच आर बेस्ट फ्रेंड। इसी तरह से द बॉयज इच हैव अ वॉच, बॉयज बहुवचन में है, प्लूरल है, और उसके बाद इच है, बाद में इच है, तो हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, द बॉयज इच हैव अ वॉच। ये इसका नोट था, यानी इच वाले को क्लियर किया गया था। अब देखिए क्या रूल क्या कहता है, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर ये तीनों एक साथ सेंटेंस में आ जाए, तीनों वाक्य में आ जाए, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू यूअर, और थर्ड पर्सन ही सी इट, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें तीनों पर्सन हो, जैसे मैं, तुम और वह कल खाना खाने चलेंगे, तो अगर ऐसा सेंटेंस हमें बनाना हो तो फिर सबसे पहले किसको हम काम में लेंगे, ये समझिए यहाँ पे। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए, और गुड सेंस में प्रोनाउन के दो तीन एक, इसको मैं अभी यहां क्लियर करता हूं, के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी गुड सेंस में, गुड सेंस का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट से कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं जिससे गुड सेंस नजर आ रही हो, जैसे तुम, मैं और वह कल ये अच्छा काम करेंगे, तो वो गुड सेंस वाला काम होगा, तो हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सेकंड पर्सन यू को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फिर थर्ड पर्सन को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखना पड़ेगा, ये हमें इसमें फॉलो करना है। अब सपोज करो किसी में तीनों पर्सन नहीं है, दो ही पर्सन है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए यह जैसे मान लो सेकंड और थर्ड है, तो टू पहले और थर्ड बाद में आएगा। अगर किसी में सेकंड और फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पहले आएगा और फर्स्ट बाद में आएगा। इसमें थर्ड और फर्स्ट है, तो पहले थर्ड आएगा और फिर सेकंड आएगा, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना है। लेकिन ये सब जो है गुड सेंस में होने चाहिए। गुड सेंस का मतलब ये है अच्छे कार्यों के लिए ही ये प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे मैं यहां बताता हूं, यू ही एंड आई, ये तीनों पर्सन हो गए यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में हमने तीनों पर्सन काम में लिए, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे इसकी सेंस क्या है, इसका भाव क्या है, हम अच्छे मित्र हैं। अगर यहाँ पे ये होता कि तुम, वह और मैं दुश्मन है, तो फिर ये सेंस, ये जो सेंटेंस पैटर्न हमने फॉलो किया, इसको हम फॉलो नहीं करते, फिर इसका सिक्वेंस चेंज हो जाता। यू एंड ही, अब यहाँ पे दो ही है, यू एंड ही यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये वाला हमने इसको फॉलो किया है। आर गुड नेबर्स, वह, तुम और वह अच्छे पड़ोसी है, तो यहाँ पे सेंस क्या है, अच्छा भाव है। इसी तरह से ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, देखो आई के साथ यहाँ पे आप भूल करके एम मत लिख देना, उस सेंटेंस को समझो, यहाँ पे दो नाउन है, दो प्रोनाउन यहाँ पे आए हुए हैं, ई एंड आई, और जब वो अच्छे सेंस के लिए आते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और उनको आप इसको आई एंड ही इस तरह से नहीं लिख सकते। गुड सेंस में पहले आपको थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना पड़ेगा, आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हम इनको फॉलो करेंगे। लेकिन यहां पे देखो, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, लेकिन बैड सेंस में हो, बुरी इरादे से अगर हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक ही वाक्य में अगर आ जाए और उनका इरादा बुरा हो, अगर वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बुरे हैं, तो फिर हमें जो पहले हमने फॉलो किया था वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, फिर इनको हम 1, 2, 3 के सीक्वेंस से फॉलो करते हैं। यानी बैड सेंस में तो आपको ये ध्यान रखना है
कि बुरे लोग जो है सीधे होते, मतलब बुरा काम करने वाले जो है ना, बुरा काम जल्दी से हो जाता है। तो देखो इसको फॉलो करने का पैटर्न 1 2 3, ये इस तरह से आपको याद रखने की बात है। इस सीक्वेंस से फॉलो करेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना है, इनके साथ भी आपको बहुवचन का प्रयोग करना है, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे आई एंड यू, आई फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जब भी कोई हम बुरा काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आई जो है वो सबसे पहले आता है। और जब अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, तुम, यानी अच्छा काम करो तो दूसरे से स्टार्ट, तुम करो ये काम, और बुरा यानी जो खुद का स्वार्थ भरा काम हो उसके लिए आई, मैं। यहाँ पे वही बात है, बैड सेंस में आई एंड यू आर एनिमीज, मैं और तुम दुश्मन है हमारे, नहीं बनती है, आई एंड यू आर एनिमीज, यहाँ पे एनिमीज है बैड सेंस में ये, तो आई एंड यू आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आई एंड ही वर गिल्टी, आई एंड ही वर गिल्टी, देखो यहाँ पे बैड सेंस में कैसे पता चलेगा, ये वर्ड बता रहा है गिल्टी है, दोषी है, मैं भी दोषी, तुम भी दोषी, मैं भी दोषी, वो भी दोषी, तो I and he were guilty, मैं और वह दोनों ही दोषी है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। यहाँ पे 1 2 3 ये एक साथ तीनों आएंगे, जब अगर एक साथ दो आएंगे तो 1 और 2 या 2 और 3, इस तरह से आपको फॉलो करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है, यदि इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, on, no one, anyone का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे इनडेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, जिसका कोई पता नहीं है उसको कहते हैं इनडेफिनाइट। अगर ये नाउन हो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है, एक मानेंगे हम इसको, एनीवन मतलब कोई भी एक, समबडी यानी कोई भी एक, तथा इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ का, क्योंकि ये जो नीचे जो दिए गए हैं प्रोनाउन ये बहुवचन में है, और जब हम इनसे किसी, जैसे मैं कहूं कि एनीबडी स्टैंड अप, कोई भी खड़ा हो जाओ, तो उससे मतलब है एक व्यक्ति, तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन काम में लेंगे तो वो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ऐसे काम में लेना है, इनकी जगह पे आपको दे, देम, देयर, देमसेल्फ कभी भी काम में नहीं लेना है, यह है अनिश्चितता बचाने के लिए। जैसे हम यहां देखते हैं उदाहरण, एवरीवन वांट्स अ ब्यूटीफुल वाइफ, एवरीवन ये अनिश्चित के लिए बताया है, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात चल रही है, एवरीवन वांट्स, तो यहां पे वांट्स आएगा, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी खूबसूरत पत्नी मिले जो अच्छी हो, सेवा करे, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी दुष्ट पत्नी आ जाए, तो यहाँ पे एवरीवन मतलब कोई भी, यहाँ पे कोई कौन है वो कोई का कोई पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए आया है एवरीवन वांट्स अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो यहाँ पे वांट्स मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, एवरीबडी यहाँ पे भी अनिश्चित है, प्रोटेक्ट उसको रक्षा करनी चाहिए, अपने आप को बचाव करना चाहिए, किससे बचाव करना चाहिए, हिमसेल्फ, एवरीबॉडी के साथ यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, यहाँ पे देमसेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, फ्रॉम लू यानी प्रत्येक व्यक्ति को लू से बचाव करना चाहिए, तो यहाँ हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर, यानी सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग हो, एज वेल एज का मतलब होता है जैसा वो है वैसा ही वो है, एज वेल एज, यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, यानी इफ एज वेल एज से जुड़े हो और दो सब्जेक्ट जुड़े हो, क्योंकि एज वेल एज में दो सब्जेक्ट आएंगे,
जैसा वो है वैसा ही वो है, जैसा राम है वैसा ही श्याम है, तो उसमें अगर एस वेल एस से जुड़े होंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो एस वेल एस के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां सेंटेंस में एस वेल एस आएगा, एक सब्जेक्ट उससे पहले आएगा, एक सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो ये नियम ये करा है कि जब एस वेल एस का प्रयोग हो तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके पर्सन और नंबर के मुताबिक, यानी ये वो एकवचन होगा तो वर्ब एकवचन आएगी, वो बहुवचन होगा तो वर्ब जो है बहुवचन में आएगी। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स वाज देयर, यहां पे देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सही सही जाए और आपका सिलेक्शन श्योर हो। द टीचर, वहां पे सब्जेक्ट क्या है, टीचर सिंगल है, सिंगुलर है, एज वेल एज वैसे ही स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब आपको वर्ब बननी है तो वर्ब क्या करोगे आप, ऐसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर हैं, ये जो है एस वेल एस से जुड़े हैं, आपको लग रहा है कि एक तो टीचर हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए तो ये प्लूरल हो गया, तो आप प्लूरल भर के आएंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब एस वेल एस से जोड़ते हैं तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब काम में लेनी पड़ती है। तो हमें यहाँ स्टूडेंट को नहीं देखना, एस वेल एस को देखना है और उससे आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो लिखेंगे। द राइटर्स एज वेल एज पब्लिशर, अब यहाँ पे पब्लिशर क्योंकि वर्ब हमें यहाँ पर नहीं है, हम सोचते हैं कि इसके पास में क्या सब्जेक्ट आ रहा है, पब्लिशर के साथ में यहाँ पे बात आप लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। आपको पूरा सेंटेंस देखना है, द राइटर एज वेल एज पब्लिशर वर एक्साइटेड, उससे पहले एज वेल एज से जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, विद टूगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू एंड नॉट लाइक अनलाइक इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सम्मिलित करते हुए, एक्सक्लूडिंग बाहर करते हुए, बट बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ये एक्स्ट्रा को बताता है, जैसे मेरे पास इस पेन के अलावा एक और पेन है, मतलब मेरे पास दो पेन है, एक्स्ट्रा बताता है ये। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट जो है वो माइनस में चलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, एक्सेप्ट। तो देखो बिसाइड्स और एक्सेप्ट में भी अंतर हो गया, बिसाइड ज्यादा चीज को बताता है और एक्सेप्ट माइनस को बताता है, इसके अलावा मेरे पास कोई पेन नहीं है, और अगर यूं कहा जाए बिसाइड इसके अलावा एक और पेन है तो दो हो गए और इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। रादर देन बजाय अकंपनीड बाय के साथ, अकंपनीड बाय का मतलब होता है अकंपनीड बाय साथ में, जैसे वो उसके साथ आया, हेडेड बाय उसने उसकी अगुवाई की, गाइडेड बाय गाइड किया उसको, गवर्न बाय वो उसके द्वारा संचालित है, लीड बाय उसका पथ जो है आगे ले जाया गया, लीड बाय मतलब उसको आगे ले जाया गया, डोमिनेटेड बाय किसी का प्रभाव होता है उसको बोलते हैं डोमिनेटेड बाय, ये तो उसके द्वारा प्रभावित है, जैसे कहा जा रहा है रन बाय चलाना, कि ये तो अपनी मर्जी से नहीं चलता, ये तो उसकी मर्जी से चलता है, वो कहलाता है रन बाय। के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ग का प्रयोग होगा। अगर ये सेंटेंस में है ये सारी चीजें तो इनके पहले, जैसे एज वेल एज में आपने पढ़ा ठीक उसी तरह से, अगर ये सेंटेंस में है तो इनके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर और उसी के पर्सन के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, देखो यहां पे बहुत चले फ्रेंड्स, लेकिन यहां अलोंग विद का प्रयोग है और उससे पहले क्रिमिनल एक है, सिंगुलर है, तो हमें यहां पे वास अरेस्टेड, इसका वास का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से ई एंड नॉट इज ब्रदर्स, एंड नॉट यहां पे सेंटेंस में है, ई वह एंड नॉट इज ब्रदर्स, यहां पे ब्रदर्स प्लूरल में है,
लेकिन हमें यहाँ नोट एंड नोट का प्रयोग है, इसलिए इससे पहले जो ही लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। फाउंड इज फाउंड गिल्टी, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कर रहा है, यदि टू सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उनके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। ये कुछ है नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और, अगर ये सेंटेंस में होंगे तो इनके जो बाद में सब्जेक्ट होगा ये एज वेल एज का उल्टा है, अपोजिट है, तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इनके बाद में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब प्लूरल काम में लेनी पड़ेगी, अगर सिंगुलर है एकवचन है तो एकवचन काम में लेनी पड़ेगी। यहां पर देखिए उदाहरण, नाइदर ही नॉर आई, ना तो वह ना मैं। अब यहाँ पे आई की वजह से यहाँ पे वॉज लिखना पड़ेगा, आर वॉज गिल्टी, ना तो वो ना मैं गिल्टी हूं। वैसे तो आपको यहाँ पे ही और ही के हिसाब से यहाँ पे आई दोनों के हिसाब से अलग लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नाइदर ही नॉर आई दोनों है और नाइदर नॉर में जो बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से आइदर ही और इज फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स है तो बाद में जो प्लूरल वर्ब है उसके हिसाब से वर्ब द कल्प्रिट, आइदर ही या तो वह या उसके फ्रेंड्स दोषी हैं, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी हैं, उन्होंने कोई दोष कोई चोरी डकैती की है उसको बोलते हैं कल्प्रिट। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे ब्रदर्स जो बाद में आया है उसके हिसाब से वर्ब लेसी, यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, ये जो है रीट में और आरपीएससी में एसएससी में टीचर ग्रेड सेकंड फर्स्ट ग्रेड सभी जगह इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों वीडियो को आप देखें ताकि आपका जो है इन पे पकड़ मजबूत बन सके। कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। कार्डिनल जिससे मतलब संख्या बताई जाती है 1, 2, 3, 4 ऐसे जो एडजेक्टिव है 1, 2, 3, 4 के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट सर्टेन वेट सर्टेन पीरियड सर्टेन मतलब सर्टेन अमाउंट निश्चित मात्रा सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन हाइट निश्चित अनुपात निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है न कि प्लूरल वर्ब का। यहां पे आप इसको समझेंगे जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर है और उनके बाद में जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से है कि उसे एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, जैसे 5 रुपए, अब आप सोचेंगे कि 5 बहुवचन है और रुपए 5 रुपीज, तो फिर आप सोचेंगे कि इसमें बहुवचन क्रिया आनी चाहिए, लेकिन 5 रुपए एक अच्छा 5 रुपए एक अच्छा अमाउंट है चाय पीने के लिए, तो यहां पे वो एक क्या है एक निश्चित मात्रा को बता रहा है, यानी उसे एक निश्चित चीज आ जाएगी तो फिर उसको एक ही माना जाएगा, उसकी जगह पे सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी पड़ेगी। 5 रुपीज यहां पे आर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। Is a very small amount. 5 रुपए तो छोटी सी चीज है, तो एक छोटी सी small amount बता रहा है। 2 tons of coal is not enough. 2 टन कोयले, 2 टन देखो वैसे तो 2 है plural है, 2 tons coal मतलब कोयले is not enough पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ी फैक्ट्री में 2 टन कोयले से क्या होगा, पर्याप्त नहीं है, एक निश्चित मात्रा बता रहा है, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब काम में नहीं लेंगे, सिंगुलर वर्ब हमें काम में लेनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे इसको नोट के माध्यम से समझाया है, इसका एक थोड़ा सा क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे समझाया है कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5 के बाद प्लूरल वर्ब से अलग अलग यूनिट का बोध होता है,
मान लो उससे अलग अलग चीजों का बोध होता है, तो फिर हम वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी उससे एक यूनिट का बोध नहीं होता बल्कि अलग अलग चीजों का बोध होता है, तो फिर वहां पे हम एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। देखो यहां पे है 50 रुपीज, 50 रुपए हैं, इनको बांट दो बच्चों में, 50 रुपए को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये एक यूनिट नहीं है, 50 रुपए बांटने आप, और बांटना एक यूनिट कैसे हो सकता है, बांटना मतलब उसको अलग अलग करना, यूनिट का मतलब तो एक होता है। तो यहां पे 50 रुपए को अगर आप बांट रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आपको काम में लेनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो एक यूनिट नहीं रहा, अनेक यूनिट हो गई, जब तक के 5 नोट हो गए। 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, ये बाद वाला जो सेंटेंस है इसको समझ करके आपको वर्ब भरनी है कि ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक यूनिट नहीं है। 6 मंथ्स हैव पास्ड सिंस वी मीट, 6 महीने हो गए सिंस वी मीट, जब हम मिले थे, यानी 6 महीने हो गए, एक एक महीना जो है वो अलग ही अलग यूनिट में हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से उनकी अलग अलग यूनिट हो गई। तो यहां पे भी हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, हैव पास। इसके बाद एक और रूल देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या है जूरी। जूरी क्या होता है, जूरी एक बहुत सारे जो न्यायाधीश होते हैं उनके समूह को जूरी कहते हैं। कोई भी जो डिसीजन जो चार पांच न्यायाधीश मिलकर जज मिलकर के जो देते हैं उसको जूरी कहते हैं। मो भीड़, भीड़ में तरह तरह के लोग होते हैं। काउंसिल, काउंसिल सभा। कमिटी, ऑडियंस क्राउड, फैमिली असेंबली, आर्मी टीम क्लास, गवर्नमेंट हर्ड। हर्ड क्या होता है, जानवरों का समूह, हर्ड। पब्लिक क्रू एक्सेट्रा, क्रू दल से समूह का बोध होता है, इन सबसे क्या है, एक समूह का बोध होता है, इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। जूरी जजों का समूह, यदि भी उसमें 5-6-7 जज होते हैं लेकिन वो एक समूह होता है और समूह का मतलब एक होता है, समूह एक माना जाता है, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे हर्ड बहुत सारे जानवर होते हैं लेकिन जानवरों का एक समूह जो होता है झुंड जिसको कहते हैं उसके लिए काम में लेते हैं, तो यहां पे इसको एक समूह मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द जूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, जूरी जो है जज वो अनएनिमस थे उसका डिसीजन देने में, यानी उनका डिसीजन देने की उनकी इच्छा नहीं थी। जूरी, यहां पे जूरी को एक समूह मानेंगे, न्यायाधीश, न्यायाधीशों का एक समूह जो था, पूरा का पूरा जो ग्रुप था वह डिसीजन नहीं देना चाहता था, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू फॉलो द ऑर्डर, यहां पे आर्मी सेना, अब सेना में कोई एक ही सिपाही थोड़ी होता, सेना में बहुत सारे सिपाही होते, लेकिन उसको जब हम कहेंगे तो सेना एक समूह है और समूह के लिए हमें यहां पे द आर्मी हैज डिसाइडेड टू फॉलो द ऑर्डर, यहां पे जो आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन है, आर्मी मतलब सेना का जो समूह है, हैज डिसाइडेड टू फॉलो द ऑर्डर, उसने ऑर्डर को फॉलो करने का निश्चय किया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक नोट देखिए, ऊपर दिए गए नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ऊपर जैसे आर्मी है, जूरी है, अगर इनसे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, एक कलेक्टिव नाउन का बोध नहीं होता है, तो फिर इनके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे जूरी जो है एक बहुत से जज का समूह होता है। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी उनकी जो राय थी वो अलग अलग थी, यहाँ पे डिवाइडेड लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे
जूरी के साथ वर्ग का प्रयोग होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।